शायद ही कोई व्यक्ति हो जिसे अपनी थाली में आम का अचार खाना पसंद नहीं है, और इससे अपने अब स्वाद भी बहुत बेहतर हो जाता है खाने का भी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने दो कच्चे आम लिए हैं, धनिया लिया है, मिर्ची ली है, प्याज लिया है, और आप गुड़ गुड़ भी ले सकते हैं और शक्कर भी ले सकते हैं। फिर हम इसके छिलके निकाल लेंगे। और इसे काट लेके थोड़ा रफली बड़ा बड़ा, और इसे गुठली भी निकालते जाएंगे साथ में। आप चाहे तो इसे अचार के शेप में भी काट सकते हैं, मैं यहाँ इसे लंबा लंबा काट रही हूँ। फिर हम एक पैन लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे, फिर प्याज और मिर्ची डालेंगे, जीरा डालेंगे पहले, फिर प्याज और मिर्ची डालेंगे। अब इसे थोड़ा पकने दें। अब हम इसमें कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून रेड मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून, और नमक। फिर हम हमारे आम भी डाल देंगे इसमें, और फिर तो अच्छे से थोड़ा सा 2-3 सेकेंड पकाने के पिलाने के मिक्स करने के बाद अच्छे से इसमें हम गुड़ डाल देंगे। आप चाहे तो 2 चम्मच शक्कर भी डाल सकते हैं। अगर आप थोड़ा खट्टा खाना पसंद करते हैं तो शक्कर 1 टेबल स्पून ही डालें। और इसमें ऐड कर देंगे हम, गुड़ भी पानी छोड़ता है थोड़ा, और हम भी आप चाहे तो ज़्यादा पानी भी रख सकते हैं, पर मैं यहाँ थोड़ा कम पानी रख रही हूँ। मैंने 1 कटोरी पानी डाला है सिर्फ। अब इसे ढककर हम पकाएंगे 5-10 मिनट तक। इसमें ऐड करेंगे अब धनिया। पाँच मिनट में बन के तैयार, बहुत जल्दी है। मैंने मसाला भी ऐड करा है, गरम मसाला। इसे अच्छे से पकने देंगे, हिलाएंगे, और बन के तैयार है हमारा वाला आम का खट्टा मीठा अचार। तो खाइए पिए और इंजॉय करिए। टेक केयर एंड बाय।